हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कपलिंग क्या होता है और कपलिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कपलिंग क्या होता है। तो कपलिंग एक तरह का लिंकेज होता है जो कि रोटेट कर रहे ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को आपस में जोड़ता है। अब ये जो ज्वाइंट है वो दो शाफ्ट के बीच का जो ज्वाइंट है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो किसी भी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि मशीन टूल का गियर बॉक्स शाफ्ट वो इंजन के इनपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, इसी तरह से जो इंजन शाफ्ट है वो पंप या फिर कंप्रेसर से कपलिंग की हेल्प से कनेक्टेड होता है। अब फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग टाइप का कपलिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर पावर ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पे अलग कपलिंग का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जब अगर दो मिस अलाइंड शाफ्ट है उनको जोड़ना है तो वहाँ पे अलग कपलिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोगों को शॉक्स एंड वाइब्रेशन को रिड्यूस करना है तो वहाँ पे भी कपलिंग का यूज़ किया जाता है। और अगर वैसे एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग ईजिली दो शाफ्ट या किसी चीज़ को भी असेंबल करें या डिसएंगेज करें तो वहाँ पे भी अलग तरह के कपलिंग का यूज़ किया जाता है। आगे इस वीडियो में हम कपलिंग के अलग अलग टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कपलिंग्स के अंदर में सबसे पहले है ऑल्थम्स कपलिंग। तो ऑल्थम्स कपलिंग को दो पैरेलल शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो दो रोटेटिंग पैरेलल शाफ्ट है इनके बीच में एसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होता है। एसेंट्रिसिटी मतलब होता है विलक्षण, मतलब कि जैसे कि एक शाफ्ट ड्राइविंग है तो दूसरा ड्रिवन है, तो इस तरह का एसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होता है। अब ये जो दो मिस अलाइंड शाफ्ट है, ठीक है, इनके बीच में फ्लेंज का यूज़ किया जाता है। अब एक फ्लेंज होता है ड्राइविंग और दूसरा होता है ड्रिवन, और ये दोनों फ्लेंज हैं इनके मिडिल में रेक्टेंगुलर स्लॉट कटा हुआ होता है। अब ये जो फ्लेंज में जो स्लॉट कटे हुए हैं ये आपस में राइट एंगल पे असेंबल होते हैं। फ्लेंज के मिडिल में जो स्लॉट कटा हुआ है उनके बीच में टंग का यूज़ किया जाता है। जब शाफ्ट रोटेट करता है तो ये टंग फ्लेंज के ऊपर पे स्लाइड करता है। अब क्या होता है कि ये जो मिडिल डिस्क है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करता है, लेकिन ये जो मिस एंड शाफ्ट है दोनों वो टंग के हेल्प से अपने अपने इंडिविजुअल एक्सिस के अराउंड स्लाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैकलैश को रिमूव करने के लिए इस तरह के ऑल्थम्स कपलिंग में स्प्रिंग का यूज किया जाता है। कपलिंग का नेक्स्ट टाइप है हुक्स कपलिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हुक्स कपलिंग के ऊपर में एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई में दे दूंगा। तो हुक्स कपलिंग को हम लोग यूनिवर्सल ज्वाइंट या फिर यूनिवर्सल कपलिंग भी कहते हैं। अब इन्हें यूनिवर्सल ज्वाइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग वैसे दो शाफ्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं जिनके एक्सेस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हो। तो हुक्स कपलिंग को यूज़ किया जाता है दो नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए, और ये दोनों शाफ्ट होते हैं इनके बीच में कुछ ही तरह का कुछ एंगुलर मिस अलाइनमेंट भी होता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट होता है जिसे हम लोग ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट भी कहते हैं वो हुक्स जॉइंट के हेल्प से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो इनपुट ड्राइविंग शाफ्ट है उसका जो रोटेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ होता है, ठीक है, लेकिन जो ड्रिवन शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है उसका जो एंगुलर स्पीड है वो वैरी करता है, वो चेंज होते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों शाफ्ट है उनका जो एंगुलर स्पीड है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी जो दोनों शाफ्ट जो कि रोटेट हो रहे हैं फिक्स बेयरिंग में उनके एक एक एंड पे फोर्क होता है, ठीक है, ये फोर्क होता है एक एक एंड पे। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो फोर्क होते हैं इसमें दो एंड होते हैं और ये जो दोनों एंड है वो सेंटर पीस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये रहा वो सेंटर पीस जिसे हम लोग परपेंडिकुलर आर्म भी कहते हैं। अभी जो सेंटर जॉइंट है जो परपेंडिकुलर आर्म है वो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी ये क्रॉस शेप का और स्क्वायर शेप का भी होता है। अब ये जो सेंटर पीस से ये जो आर्म फोर्क जो कनेक्टेड है वो राइट एंगल पे कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो दो शाफ्ट के बीच में फोर्क कनेक्शन को यूज़ किया गया है तो इस फोर्क कनेक्शन के हेल्प से ही इन दो इंटरसेक्टिंग एक्सिस शाफ्ट को मोशन मिलता है। अब इस तरह के हुक्स कपलिंग को मेनली ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है और इनके हेल्प से गियर बॉक्स से रियर एक्सल तक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग है डबल हुक्स कपलिंग। अब जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है, इस तरह के कपलिंग में दो हुक्स जॉइंट को यूज़ किया जाता है और ये जो दोनों हुक्स जॉइंट है वो आपस में इंटरमीडिएट शाफ्ट के हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होता है कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रेशियो ऑब्टेन करने के लिए जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट है वो हमेशा इंटरमीडिएट शाफ्ट के साथ इक्वल एंगल पे ही रहता है और ये जो इंटरमीडिएट शाफ्ट के जो फोर्क्स है वो क्या करते हैं कि सेम प्लेन पे ही रोटेट होते हैं, यानी कि इन दोनों जो शाफ्ट के एक्सिस का सेम प्लेन पे ही ये रोटेट करते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट है इनपुट आउटपुट शाफ्ट और इंटरमीडिएट शाफ्ट के बीच में अगर वो इक्वल होगा, उससे क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट है वो हमेशा करेक्ट एंगुलर अलाइनमेंट में रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसलिए हम लोग डबल हुक्स कपलिंग को यूज़ करते हैं ताकि जो ड्रिवन शाफ्ट है उसके ऊपर में हम लोगों को यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मिले जब ये दोनों शाफ्ट के जो एक्सिस है आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग है रिजिड कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे दोनों शाफ्ट के एक्सिस कोलिनियर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों शाफ्ट के एक्सिस है वो सेम हो। अब जो रिजिड कपलिंग्स होते हैं वो सिंपल होते हैं और लेस कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन इस तरह के कपलिंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी है, वो ये है कि इस तरह के कपलिंग को अगर हम लोग कहीं पे यूज़ करते हैं और अगर दोनों शाफ्ट के बीच में थोड़ा भी मिसअलाइनमेंट हो, थोड़ा भी इनका एक्सिस में अगर चेंजेस आ जाए, तो इस तरह के कंडीशन में ये जो रिजिड कपलिंग है वो काम नहीं कर पाते हैं। रिजिड कपलिंग तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है मफ कपलिंग। मफ कपलिंग को स्लीप कपलिंग भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्लीप का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग हॉलो सिलेंडर भी कहते हैं। अभी जो ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट है वो की के हेल्प से इन स्लीप से जुड़ा हुआ होता है। अब जनरली इस तरह के कपलिंग में संक की का यूज किया जाता है, जिसके वजह से ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग होता है। मफ कपलिंग के हेल्प से पावर का ट्रांसमिशन होता है, वो होता है सबसे पहले ड्राइविंग शाफ्ट से की तक, उसके बाद ये जो पावर है वो की से स्लीव में ट्रांसमिट होता है। अब उसके बाद फिर ये पावर की के हेल्प से स्लीव से ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से मफ कपलिंग में जो की है और जो शाफ्ट के बीच में जो फोर्स का शेयरिंग हो रहा है उसके हेल्प से ही पावर का ट्रांसमिशन होता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मफ कपलिंग को हम लोग यूज़ करते हैं वो स्मॉल डायमीटर शाफ्ट्स के लिए यूज़ किए हैं, यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट का यूज़ किया जा रहा है मफ कपलिंग में, उनका डाया 70-80 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये रिजिड कपलिंग होता है इसलिए ये जो तो शाफ्ट का यूज़ किया जा रहा है उनके बीच में जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा भी गड़बड़ाएगा उससे क्या होता है ये जो कपलिंग हो रहा है वो जो जॉइंट हो रहा है वो फेल हो जाएगा। अब चूंकि ये रिजिड कपलिंग है ये किसी तरह का भी जर्क या फिर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए जहाँ पे भी हम लोग मफ कपलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर में वो वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग है क्लैम्प कपलिंग। अब ये मफ कपलिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसलिए हम लोग इसे स्प्लिट मफ कपलिंग भी कहते हैं। अब इनमें भी स्लीव का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो स्लीव है वो दो हाफ में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसे स्प्लिट मफ कपलिंग कहते हैं। अब ये जो स्लीव के दो स्प्लिट पोर्शन है वो नट और बोल्ट के हेल्प से आपस में क्लैम्प्ड होते हैं। अब इन दोनों स्लीव पोर्शन को आपस में क्लैम्प करने के लिए 4 से लेकर 8 नट्स का यूज़ किया जाता है। क्लैम्प कपलिंग में स्लीव और शाफ्ट के पेरिफेरी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से टॉर्क एक शाफ्ट से लेकर दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसमिट होता है। अब स्लीव और शाफ्ट के बीच में की का यूज़ किया जाता है ताकि जो स्लीव और शाफ्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हो, जो कि टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होता है। अब की और शाफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है और जो शियर फोर्स हो रहा है, इन दोनों के वजह से ही टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है क्लैम्प कपलिंग में। अब फ्रेंड्स जो क्लैम्प कपलिंग और मफ कपलिंग के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि टॉर्क का ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो मफ कपलिंग में है टॉर्क का ट्रांसमिशन हो रहा है वो होता है की के शेयर फोर्स के वजह से, जो की फोर्स को शेयर करता है, ठीक है। लेकिन जो क्लैम्प कपलिंग है उसमें जो टॉर्क का ट्रांसमिशन हो रहा है वो दो तरीके से होता है, एक तो जब स्लीव और शाफ्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है और दूसरा जब की और शाफ्ट के बीच में शेयर रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह से क्लैम्प कपलिंग काम करता है।
अब चूंकि क्लैंप कपलिंग रिजिड कपलिंग होता है तो ये किसी तरह का जर्क या वाइब्रेशन टॉलरेट नहीं कर सकता है, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन इजी होता है और क्योंकि इनमें नट और बोल्ट का यूज किया जाता है इसलिए हम लोग इन आसानी से इसे दो शाफ्ट के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कपलिंग होता है वो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग है फ्लैंज कपलिंग। जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है इस तरह के कपलिंग में फ्लैंजेस का यूज किया जाता है दो शाफ्ट को आपस में जॉइंट करने के लिए। अब चूंकि ये भी रिजिड कपलिंग होता है तो ये भी शॉक एंड वाइब्रेशन जर्क वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस तरह के कपलिंग में दो फ्लैंजेस का यूज किया जाता है, एक इनपुट शाफ्ट के लिए और दूसरा आउटपुट शाफ्ट के लिए। अब ये जो दोनों शाफ्ट आपस में फ्लैंजेस के साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं जॉइंट हो रहे हैं वो की के हेल्प से होते हैं, और ये जो दोनों फ्लैंजेस आपस में जॉइंट हो रहे हैं वो नट और बोल्ट की वजह से होते हैं। अब की के वजह से ही इस तरह के कपलिंग में पावर का ट्रांसमिशन होता है। फ्लैंज कपलिंग को जनरली पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इनको हम लोग आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और दो शाफ्ट के बीच में इन्हें लगाना भी बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब इस तरह के कपलिंग को उन दो शाफ्ट के बीच में यूज किया जाता है जिनके बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं किया जा सकता है। अब ये जो दोनों शाफ्ट हैं उनके बीच में जो मिस अलाइनमेंट है वो बहुत सारे वजहों से होता है, जैसे कि शाफ्ट का डिफ्लेक्शन हो जाए या थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे फ्लेक्सिबल कपलिंग को यूज़ करते हैं। अगर दो शाफ्ट के बीच में स्मॉल एसेंट्रिसिटी हो तो उसे फ्लेक्सिबल कपलिंग टॉलरेट कर लेता है, और फ्लेक्सिबल कपलिंग में कुछ फ्लेक्सिबल एलिमेंट जैसे कि बुश वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाए। तो इसलिए जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे उन ऑपरेशन में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता हो। तो फ्रेंड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पावर ट्रांसमिशन करना है तो फ्लेक्सिबल कपलिंग सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है और इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मेन दो डिसएडवांटेज होते हैं इस तरह के कपलिंग में। आप जो एनिमेशन देख रहे हो वहाँ पे शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है। बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है। अब इस तरह के कपलिंग में शॉक एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बुशेस का यूज किया जाता है। अब जो बुश होते हैं वो फ्लेक्सिबल एलिमेंट जैसे कि रबर वगैरह के बने हुए होते हैं। बुश पिन जो कपलिंग होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन फ्लैंज कपलिंग की तरह ही होता है। ये जो बुशेस होते हैं वो फ्लैंजेस और शाफ्ट्स के बीच में माउंटेड होते हैं। अब बुश को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये अगर दोनों शाफ्ट के बीच में थोड़ा बहुत इसेंट्रिसिटी हो तो उसे ये कंपनसेट कर देता है, और दूसरी तरफ ये फ्लैंज और शाफ्ट के बीच में एक टाइट कनेक्शन बना के रखता है। इसलिए जहाँ पे हम लोगों को हाई टॉर्क ट्रांसमिशन करना हो वहाँ पे बुश पिन कपलिंग का यूज़ किया जाता है। अगर जो एसेंट्रिक डिस्टेंस है अगर 0.1 से लेकर 0.5 mm तक हो अगर दोनों शाफ्ट के बीच में, तो उतना तक ये जो फ्लेक्सिबल बुशेस है वो उसे कंपनसेट कर देता है। अगर दो शाफ्ट के बीच में एंगुलर मिस अलाइनमेंट्स हो तो उसे भी फ्लेक्सिबल कपलिंग टॉलरेट कर लेता है। अब इस तरह के कपलिंग में की और शाफ्ट के बीच में फोर्स शेयर होने की वजह से टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है। अब चूंकि फ्लेक्सिबल कपलिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है और इनका डिज़ाइन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इस तरह के फ्लेक्सिबल कपलिंग का बस यही एक ड्रॉबैक होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कपलिंग क्या होता है और कपलिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, गुड बाय।